स्वागत है आपके मेरे चैनल 2SB गेमिंग में। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक नया गेम, कॉन्ट्राबैंड कॉलेज। अगर आपको नहीं पता तो मैं इस गेम के बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि ये गेम अभी प्रोलॉग मोड पे है और काफ़ी इंटरेस्टिंग गेम है ये। अभी अभी नया आया है और सबसे बड़ी बात यह है आप इस गेम को बिल्कुल फ्री खेल सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही मैं एक नए नए गेम फ्री आपके लिए लाता रहूं तो प्लीज़ इस वीडियो पर लाइक ज़रूर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो सबसे पहले मैं इस गेम की थोड़ी हिस्ट्री बताना चाहूँगा कि ये गेम एक बॉर्डर सिक्योरिटी चेकिंग टाइप का गेम है, एक नेशनल सिक्योरिटी। जैसे आप बॉर्डर में एंट्री करते हैं तो आपके कार्स या व्हीकल्स लेके जाते हैं, तो उसके ऊपर ये गेम बना हुआ है। तो मेरे ख्याल से ये रशियन गेम था, उसका डेवलप और उसके पार्ट को 1980s को दिखाने की कोशिश की है इस गेम ने। तो चलिए शुरू करते हैं इस गेम को, और इस गेम की थोड़ी बहुत चीज़ें भी बता दूंगा मैं आपको बताऊँगा। तो आप देख सकते हैं कि गेम की ग्राफिक इतना हाई एंड नहीं है, तो एक पोटैटो पीसी भी इस गेम को आराम से रन कर सकता है। कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं लगता कि आपको आने वाली है। मैं इस गेम की रिक्वायरमेंट्स सब डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप उसे चेक कर सकते हैं। तो ये स्ट्रीम में फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये गेम आप खेल सकते हैं। अगर आप स्टोरी और ऐसे गेम्स काफ़ी पसंद है जो कि छोटे मोटे टास्क देते हैं, ये एक तरीके से अभी प्री लॉक फेज में है, तो मैं इसको पूरी तरीके से नहीं बता सकता ये स्टोरी बेस किस पे करती है। बट ये पता है कि हम एक ऑफिसर के रूप में रिक्रूट होते हैं इस गेम में, और हमारा काम है कि हमें कार्स चेक करनी है और हमें कॉन्ट्राबैंड करना है। तो जैसा कि दिख रहा है कि हमने कमिश्नर बुला रहा है तो हमें जाना है। चलो निकलते हैं, गेट बंद कर देता हूँ। तो लुक वाइज काफ़ी डिसेंट ग्राफिक्स है, बहुत अच्छे नहीं है या मैं ये नहीं कहूँगी बहुत ही ज़्यादा ओवरवेलमिंग है, बट डिसेंट ग्राफिक्स। तो हमारी ड्यूटी फोल्डर हमने ले लिया है और हम ड्यूटी फोल्डर में देखेंगे कि क्या ड्यूटी और क्या हमारे प्रोटोकॉल्स जो हमें फॉलो करने हैं। इधर काफ़ी हद तक आपको ऐसा फील आएगा जैसे आप इंडिया में RTO के बैरिकेड के सामने अपनी कार को या बाइक को चेकिंग होते देखते हैं। जस्ट उसी लेवल पे इस गेम को प्रोटोकॉल्स और उसके थ्रू हमें एंट्री लेने देनी है नेशनल बैरिकेड से या बैरियर्स में। चलो स्टार्ट करते हैं, बहुत बात कर ली पहली गाड़ी। ठीक है, तो ये एयरकरिस्तान जिस जगह में हम गेम में हैं ये उधर का लोकल है, तो हमें इसके पेपर में नाम मैच करना है। ओके, हमें पहले डॉक्यूमेंट चेक करने हैं कि एक्सपायरी तो नहीं हो गया है, नाम सही लिखा है कि नहीं, व्हीकल रजिस्ट्रेशन सही है कि नहीं। हमें एक इंस्पेक्शन रिपोर्ट भी बनानी रहेगी जिसमें हमें सब कुछ चेक करना रहेगा। तो इसमें लिखा हुआ है कि हमें क्या क्या लिस्ट डाउन में लिखा हुआ है कि किन चीज़ों को चेक करना है। तो ये एक्सपायरी डेट हो गई, ये मैप है, मेरे को लगता है अभी यूज़फुल है। कार का वेट दिया है, कार का टाइप दिया हुआ है, इधर कंटेंट लिखे ही हुए हैं कि हम क्या क्या कहाँ कहाँ से चेक कर सकते हैं। तो अफगानिस्तान का ये स्टैम्प है जो कि मैच कर गया। टाइप टाइप कैसे चेक करेंगे, कहाँ पे क्लिक करूँ। तो काफ़ी ओपनली नहीं समझ में आ रहा मुझे कैसे करना पड़ेगा, ठीक है।
हम खेलते खेलते समझ लेंगे। यार। एक चीज़ पता है इसकी, मुझे ब्रोकन विंडो दिख रही है, और मैं पहले इस गाड़ी का वेट कर लूँ। 1230, 1230 इसका वेट है। बारह सौ तीस वेट है। जैबिड, जैबिड गाड़ी का नाम है। ओके, तो गाड़ी के वेट आ गए हैं गाड़ी के। ठीक है, गाड़ी अच्छा ऊपर से तो विंडो में लिख लेता हूँ। मिरर तो नहीं है, फ्लैट टायर नहीं दिख रहा मुझे कहीं। मिरर्स भी नहीं टूटे लग रहे हैं, दोनों मिरर्स हैं इसके पास, साइड मिरर्स हैं। ओके, मुझे तो इसका सारा डेटा सही लग रहा है, तो मैं अभी इसको जाने दूंगा। तो ज़्यादा टफ लग नहीं रहा है देखने से। करा है परफेक्ट एंट्री दी है मैंने। वाओ, तो पहली एंट्री हमने बिल्कुल सही इंस्ट्रक्शन के साथ दी है। लग रहा है काफ़ी इंटरेस्टिंग गेम होगा ये, अगर ऐसे केवल कार्स को चेक करना है रूटीन वाइज। तो देखा जाए तो एक छोटी सी गाड़ी है जिसमें स्पॉइलर भी है, आई डोंट नो हुआ है। अरे इतने रोड, चलो ठीक है, चलो डॉक्यूमेंट्स चेक कर। अच्छा, ये बाहर का बंदा है तो हमें, ओके, इसका नाम ही नहीं मैच किया। ओके, तो इसका व्हीकल के नेम जो लिखा है वो गाड़ी का नाम और इसका नाम मैच। ओ, इसके पास जो परमिट है वो भी इससे मैच नहीं कर रहा है। इवन इसका पासपोर्ट डिटेल तक मैच नहीं कर रहा। अरे इसको नहीं कर सकते। अच्छा, इसको इस पर करेंगे। तो एक्सपायरी तो नहीं हुआ है, बट हाँ इसका जो परमिट है वो ही एक्सपायर्ड है। क्यों ना, ब्रेक टाइप इसका जो लिखा है वो ब्रेक टाइप है इसके पास। इसने फर्जी रजिस्ट्रेशन बनाया है, तो सबसे पहले तो नाम मैच नहीं करा था वो क्रॉस करेंगे। एक्सपायरी डेट नहीं मिल रही थी, एक्सपायरी डेट क्रॉस करेंगे। पासपोर्ट मैच कर रहा था इसका। अरे मिस मैच है, तो पासपोर्ट नंबर भी मिस मैच है, तो पासपोर्ट भी नहीं मैच कर रहा है। एक्सपायरी डेट चेक कर ली, पासपोर्ट चेक कर लिया। भाई तुम जाने तो नहीं वाले हो, ये तो मुझे कंफर्म है। गाड़ी का एक विंडो टूटा हुआ है। पीछे इंजन है, ये नैनो है क्या? ठीक है, गाड़ी का नंबर, अरे हटा ना यार, इंस्पेक्शन रिपोर्ट हटा ना। एक काम करता हूँ, इसको तो पहले तो मना ही कर देता हूँ, मैं जाने तो दूंगा नहीं भाई, एंट्री परमिट नहीं मिलेगी। क्योंकि ठीक है अगर तुम्हारा, अरे क्या क्या तुम्हारा फैमिली फ्रेंडली। गाली दे गई मुझे, अबे नैनो लेकर निकल गया। हाँ तो जस्टिफाई रिफ्यूजल था, बिल्कुल सही रिफ्यूजल दिया हमने। एक बार चेक करता हूँ कि क्या मिस्टेक हुई। 73 एक्यूरेसी है क्यों? ओके, मैंने टाइप और वेट नहीं चूज किया, मुझे टाइप और वेट भी चूज करना था। बाकी मिसिंग मिरर, अच्छा मिसिंग मिरर, मेरे को मिरर मिसिंग तो नहीं समझ आया, हो सकता है ग्राफिकल व्यू से मुझे नहीं दिखाओ। चलो ठीक है, नेक्स्ट गाड़ी को बुलाते हैं। फीलिंग अ लिटिल बिट कॉन्फिडेंट कि अब कैसे चेक करना है, तो मैं रूटीन वाइज फॉलो करूँगा। तो पहले तो इसे कागज दिखा हुई, बात नहीं की, कोई बात नहीं। तो पहले तो चेक करूँगा नाम मिसमैच। ओके भाई, हर बंदे का नाम मिलता ही नहीं है, गाड़ी किसकी उठा के चले जाते हो, नाम भी मैच नहीं करते हैं। अरे भाई, एंट्री परमिट किसी और का उठा लिया है भाई,
भाई मैं समझने पहली चीज ये हटाओ, तो ये बंदा तो अभी यहीं से ही नहीं जा रहा। अभी का टाइप एक बार चेक कर लेता हूँ, तो इसमें लिखा है ZR53, ZAGR53, ये तो ट्रक है। और ट्रक का वेट भाई क्या हो रहा है, ये सब ऐसे क्यों आ रहे हैं? 1230, ये तो एक कार का वेट है। और इसमें रजिस्ट्रेशन में वेट भाई पिछले वाले में भी सेम ही निकला था, ऐसे गलती हुई थी उसका, लिखा नहीं था मैंने। अरे रुकना भाई, और एक बार गाड़ी का नंबर भी देख लेता हूँ, तो पूरा फर्जी ही ना निकले किसी और का व्हीकल कार्ड ले आया हो। SVT सही है, कल भी मैच ही कर रही है। तो व्हीकल टाइप और व्हीकल फेस दोनों पर क्रॉस लगा देते हैं। विंडो भी टूटे हुए दो, नाम लिखे घूम रहे हैं। तो परमिट पे नाम गलत और तुम्हारा नंबर गलत, तो तुम्हें तो वैसे ही नहीं जाने दूंगा मैं। गाड़ी का टाइप ही गलत, तो किसी और की गाड़ी लेके घूम रहे हो, किसी और का IC है, नंबर गलत है, रजिस्ट्रेशन सही करा के आओ तब एंट्री मिलेगी दोबारा। तो भाई तो सारी चीज़ें मैंने इंस्पेक्शन रिपोर्ट के हिसाब से आप नहीं जा पाएंगे। नेता? क्या नेता भाई, कोई नेता नहीं है। तो निकलो, जस्टिफाइड रिफ्यूजल। मैंने क्या नहीं देखा, सब कुछ तो था। कल वेट मैंने मार्क नहीं किया था, कल वेट मार्क तो किया था मैंने, कल टाइप मार्क किया था ना। ठीक है, Dai, ci vari su comandiro. इतना खुश क्यों भाई? तो पहले ही तुम्हारी विंडो मेरे को टूटी हुई दिख रही है और टायर ब्लड दिख रहा है। और क्या मटकी की गाड़ी में एक और विंडो, गाड़ी सीधी ले आया करो यार, कभी टायर पंचर लेके घूम रहे हो यार। रिफ्लेक्टर सबके गायब रहते हैं, लाओ कागज दिखाओ। Arosco propsa amana. अरे अरे अरे, Atmatur. बहुत एक्साइटेड है लॉन्ग मैरी। तो चलो नाम चेक करते हैं। Sapota amana. Ilio listo saboi. फोटो बाकी सब तो सही है, गाड़ी का वेट भी सही है, गाड़ी की टाइप भी सही है। कल मैच नहीं कर रही, चलो दीदी। दाढ़ी फोटो में ज्यादा है, कटवा ली क्या? Me dorado curca. Ilio meo atma sayat. बाकी सब तो सही है यार, प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ठीक है, Ora seguo Daina. लिया। ओ अभी उसका नाम गलत था,
ओ शिट, नाम गलत था। अरे यार थोड़ा लेट याद आया, पहली गलती ड्यूटी पे। कोई बात नहीं, करते करते आ जाएगा। आपकी देख रहे हो, आरटीओ का काम इजी नहीं है यार, काफ़ी सारी चीज़ें पता चल रही हैं। देखते देखते कि क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्या नहीं आएंगी। इस गाड़ी में गड़बड़ नहीं करनी है भाई। बॉडी बॉडी तो भाई पहले से गाड़ी की फूटी हुई है, टायर ब्लैड है, पीछे की जगह गायब है। वो गाड़ी उड़ा के ला रहा है, क्या करके ला रहा है? मिट्टी के टायर, ठीक है यहाँ से भी टूटी हुई है। और सॉरी लेटर नहीं, बॉडी पार्ट डिफेक्टेड। और इंजन देखो, ऐसा लग रहा है चढ़ ही गया ना इंजन तो। मुझे लग रहा है इसकी पीछे की डिक्की भी टूटी गई है, ये सब कुछ तो तोड़ के ला रहे हैं। शायद अबे कागज लिए नहीं है, भागना है क्या तुझे भाई? गजब, ये ठीक नहीं लग रहा है। चलो देखते हैं तो। अरे पावर नहीं है तो पहली चीज नाम चेक कर लेते हैं। EVSEIUKAVA, नाम सही है लौंडे का। तो रजिस्ट्रेशन नंबर देखना है। ओ आगे रजिस्ट्रेशन नंबर, आगे बम्पर ही नहीं है बंदे का। रजिस्ट्रेशन नंबर कहाँ से हुआ? DVI 2729 FY, ठीक है। तो एक और चीज़ लिख लीजिए, रिपोर्ट में लिख लेता हूँ, बंदे का बम्पर मिसिंग है। तो सामने कोई कोई नहीं है, साइड में है, चमक रहे हैं। ये लग रहा है ऊपर की बॉडी भी गायब भी लग रही है। नहीं तो ऐसी कौन सी कन्वर्टेबल होती है जिसके ऊपर, यार अपने में कोई कन्वर्टेबल नहीं थी तो भाई पता नहीं है। और इसमें कहीं फोटो भी शो नहीं की है कि कन्वर्टेबल कैसी दिखती है। क्या करूँ, मेरे ख्याल से बॉडी डिफेक्टेड है आई गेस। टूटी नहीं दिख रही है तो नहीं लिखूंगा मैं। बाकी ठीक है यार, ठीक है अंकल। सारे आप, मुझे सारे डॉक्यूमेंट अंकल के सही लग रहे हैं। आर्मी आर्मी के बंदे हैं क्या? चलो तो सारे डॉक्यूमेंट सही हैं, ठीक है अंकल। आप मेरे ख्याल से एज पर द इंस्पेक्शन रिपोर्ट आप जा सकते हैं। एंजॉय। वैलिड एंट्री थी और परफेक्ट इन्फेक्शन भाई, गॉड बोलते गॉड, सारी चीजें एकदम परफेक्ट, 100% एक्यूरेसी, प्रोफेशनल आरटीओ। तो भाई आज के लिए इतना ही, आज का यहीं खत्म करते हैं। और जिस जिसको ये गेम अच्छा लगा हो तो प्लीज़, आपको जितना आपको अच्छा लगा हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इस गेम के आगे आने वाले पास के बारे में भी कि आप इसको देखना चाहते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, आपसे फिर मिलूंगा नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए गुड बाय, सायनारा, साइनिंग ऑफ।